जीवन भर आप ही अमीर बनेंगे कि दूसरे को मौका देंगे? जीवन भर आप ही सांसद रहेंगे, जीवन भर आप ही विधायक रहेंगे, दूसरा नहीं आपके सामने आएगा। और जैसे ही महिलाएं गैस पे खाना बनाने लगी, वैसे ही गैस का रेट आज देख लीजिए, एक समय था जो हम 400 में भरवाते थे, आज देख लीजिए हम 1200 में भरवाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए कह रही है कि अब की बार 400 पार, वही इंडिया गठबंधन भी तमाम दावे कर रहा है इस तरीके की बेरोजगारी महंगाई को लेकर कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है तो कितना मजबूत है, क्या कहेंगे, कितना मजबूत अब की बार मायावती जी है? जी, सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भी, नमो बुद्धाय, जय भी। बहुत मजबूत है, इस बार बहन जी की सरकार बनेगी ऐसा कोई कहना नहीं है। और सरकार देखिए, एक ये जो सरकार चल रही है वो सिर्फ भुलवावे पे काम करती है, पब्लिक समझ नहीं पाती है। और पब्लिक इसलिए नहीं समझ पाती है कि मीडिया सही बात बता नहीं पाता है, समझ रहे हैं? घर घर चैनल लगा, घर घर टीवी लगी है, मीडिया को चाहिए कि जो सच है वो बताए, पर वो बता नहीं रही, गुमराह करके रख रही है और इसीलिए जनता तक सही खबर नहीं जा पा रही। क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि वो मीडिया नहीं पहुँचा पा रही है, क्या ऐसी सच्चाइयाँ जो छुपाई जा रही हैं, कुछ आप बताएंगे? जी जी, बहुत सारी सच्चाइयाँ जो अभी आए दिन शोषण हो रहा है, क्या मीडिया बता पा रही है? 2 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया था, कितनी नौकरियाँ मिली? कितनी मीडिया वाले चैनल पे दिखाते हैं कि 2 करोड़ नौकरी अगर उन्होंने वादा किया था तो कितनी नौकरियाँ आज तक मिली? आए दिन पेपर लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है? क्या इसी सरकार भी खाली लीक होता है? इसके पहले भी तो सरकारें थी, उस सरकार में तो नहीं लीक होता था, अगर होता भी था तो इतना नहीं होता जितना इस सरकार में हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अब बुलडोजर की कार्रवाई, ये तो लगता है कि पूरा कानून अपने अंदर ले लिए हैं सब। इन्होंने तुरंत कह दिया कि उनका मकान गिरा दो, गिर जा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके लिए आपका अपराधियों का मकान गिरे तो फिर आप लोगों को कष्ट क्यों? नहीं, अपराधियों का गिरे तब ना, सारे अपराधी पड़े, जातिगत अपराधी का गिराया जा रहा है ना, ये भी तो देखिए आप। फॉरवर्ड जो है कि कितने ठाकुरों का, कितने पंडितों का मकान गिरा है, सिर्फ एससी ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का घर गिरा। विकास दुबे का एनकाउंटर इसी सरकार में हुआ। एक किसी का गिरा देंगे तो इससे थोड़ी ना होता है कि किसी एक का गिरा दे तो आप कह दे कि जो है ठाकुरों पंडितों का गिर रहा, किसी एक का गिराने से ये नहीं होता है कि सभी लोग का गिरा रहे। अभी देख लीजिए माइनॉरिटी में, देख लीजिए माइनॉरिटी में बहुत सारे गुंडों के साथ ऐसा हुआ है, अच्छे लोग हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जातिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये है, पर हमको ऐसे लीडर बनाना है जो जाति का प्रश्न न करे। जैसे बहुजन समाज पार्टी कहती है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो वो सर्व समाज का भला चाहती हैं। शिक्षा, अगर वो शिक्षा पे काम करती हैं तो शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। रोजगार भी इसी तरह, वो रोजगार पे बात करती हैं तो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए रोजगार नहीं होता, सर्व समाज के लिए। आपने कहा कि बहन जी सर्व समाज के लिए बात करें तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं, पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरे पिछले समाज को साथ लेने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। जी जी, कहते हैं ना, अभी गठबंधन में सरकार थी, साथ में बसपा और सपा गठबंधन में थी, तो उनके लोग इतना अत्याचार करते थे कि आप अगर मीडिया सही दिखाता तो पता चलता कितना अत्याचार होता है, इस तरह अत्याचार करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे हित की बात करे, सर्व समाज की बात करे, सारे लोगों की बात करें, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य भी बात करें। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रही हैं प्रधानमंत्री जी, कौन कह रहा था? लोग कहते भी हैं जब हम गांव में जाते हैं, कौन कहता है कि ये जो राशन मिल रहा है वो इनकी सरकार में मिल रहा है? सिलेंडर भी दिए हैं, राशन तो इसके पहले से भी मिलता था, ऐसा नहीं कि 10 साल से हम राशन खा रहे हैं। हम तो 10 साल नहीं, हम तो 2007-2008 से राशन हमको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि इनकी सरकार आई तभी राशन मिला। और सिलेंडर की क्या बात करते हैं, इन्होंने कहा कि सिलेंडर महिलाओं के लिए दिया जा रहा, फ्री सिलेंडर है, इन्होंने कहा, सारी महिलाएं खुश हो गई, चलिए हमको चूल्हा पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और जैसे ही महिलाएं गैस पे खाना बनाने लगी, वैसे ही गैस का रेट आज देख लीजिए, एक समय था जो हम 400 में भरवाते थे, आज देख लीजिए हम 1200 में भरवाते हैं, तो किसके पास 1200 होगा कि वो गैस सिलेंडर भरवा पाएगा? एक गरीब तबका तो नहीं भरवा पाएगा ना, जो रोज का 200-300 कमा रहा है वो कैसे सिलेंडर पे उसकी औरत खाना बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके पास इतना बजट ही नहीं है। सारा सुख अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए कुछ ना उन्होंने नहीं किया। और आज की डेट में देख लीजिए, गैस एक 100 पीस रखा है, सजाने के लिए रख दिया गया और चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है, ये स्थिति है। सिर्फ ये लॉलीपॉप देते हैं, भुलवाते हैं। और ये जनता, अगर ये मीडिया सही से चैनल पे दिखाती तो जनता
उस चीज को समझ पाती और घर घर ये बातें जाती। आप बार बार मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं और यहीं लालगंज लोकसभा से सांसद थी संगीता आजाद जी, जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने उन्हें सांसद बनाया, लेकिन हुआ ये कि चुनाव के नज़दीक आते ही उन्होंने पार्टी बदल दिया। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो इंदु चौधरी पर क्यों भरोसा जताए? क्या भरोसा इंदु चौधरी फिर से चली जाए, कांग्रेस में चली जाए, भाजपा में चली जाए? जी जी, वो तो देखिए, जो विचारों की बात करता है वो कहीं नहीं जा सकता है। मैं विचारों की बात करती हूँ, बहन जी विचारों की बात करती है, बाबा साहब को जो मानता है, जो बुद्ध को मानता है, जो विचारों की बात करता है वो कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि उसको सत्ता की लालच नहीं होती है, उसको जनता की लालच होती है कि हमारा पब्लिक, हमारी जनता खुश सुखी होना चाहिए। अब रही किसी नेता की बात ले लीजिए, कभी भाजपा में है तो सपा में चले जा रहे हैं, कभी सपा में है तो भाजपा में चले जा रहे हैं, बसपा में चले जा रहे हैं, वो दल बदलू नेता की क्या आप बात कर रहे हैं? टिकट नहीं मिलता, नाराज होकर चले जाते हैं। तो वही क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? जीवन भर आप ही अमीर बनेंगे कि दूसरे को मौका देंगे? जीवन भर आप ही सांसद रहेंगे, जीवन भर आप ही विधायक रहेंगे, दूसरा नहीं आपके सामने आएगा? आप सोच कैसे बना लेते हैं कि जीवन भर आप ही विधायक रहें, जीवन भर आप ही सांसद रहें? किसी और को मौका दीजिए। मान लीजिए एक टिकट है, इस बार आप सांसद रहे, अगली बार किसी और को मिल गया, तो आपको नाराजगी किस बात की है? नहीं नाराज होना चाहिए। यहाँ तो ये है कि हम जीवन भर हम ही सांसद रहें, हम सांसद रहें, हमारा बच्चा सांसद रहे, उसका बच्चा सांसद रहे, ये सोच बना के रखे हैं। तो ये जो ये सोच बनाता है वो कभी भाजपा में जाएगा, कभी सपा। पिछले कुछ चुनाव की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहाँ पर बीएसपी की स्थिति ऐसी देखी गई है कि विधानसभा चुनाव में पूरे यूपी में मात्र एक सीट निकली है, उमा शंकर सिंह हैं रसड़ा से, वो भी लोग कहते हैं कि वो अपना व्यक्तिगत उनका वोट है इसलिए वो विधायक बने हैं। तो और पिछले चुनाव लोकसभा की बात की जाए तो सपा के साथ गठबंधन था, तब भी बहुत असर नहीं पड़ा। तो फिर तो लोग तो कह रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और एक युवा नेता निकल कर आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी, अब तो वो अपील कर रहे हैं कि मायावती जी को आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत जमाने से वो कई बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो अब आप हमारे साथ आइए। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपके साथ लोग आएंगे या फिर युवा नेता के साथ लोग? नहीं, देखिए विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती है, कम होती है, भटकते हैं लोग, पर विचारधारा कभी मरती नहीं है, और हमारे जो लोग हैं वो विचारधारा पे चलते हैं। सरकार आज नहीं है कल होगी, इस बात को आप नोट करें। आप ये मानती है विचारधारा से पार्टी मजबूत रह सकती? जी जी, मजबूत रहती है। ये एक होता है कि एक अवसर दिया जाता है, जैसे बीजेपी की रही बात, तो उनको एक अवसर दिया गया, समाज ने एक अवसर दिया नया नेता को कि चलिए ये आएंगे तो सर्व समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, पर उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। उनसे कोई खुश नहीं है, वो सरकार भले सरकार में है और सरकार बन भी रही है, पर उनसे कोई खुश नहीं है। इसमें बहुत सारी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि वो जनता उनको वोट कर रही है। आप उनकी रैलियों में जाके देखिए कितनी भीड़ रहती है, कभी जाइए उनकी रैली में देखिए। अगर जनता जिसको चाहती है उसकी रैलियों में भीड़ होती है, और जिसकी रैलियों में भीड़ होती है वो जनता चाहती तब वो आती है।